हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार, प्रिपेयर क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख 27 जून 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, तो देर ना करते हुए चलते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। आज का हमारा पहला टॉपिक है लेडीज मर्करी। ध्यान है साथियों, लेडीज मर्करी ये दुनिया की पहली महिला पत्रिका है। दुनिया की पहली महिला पत्रिका है। खास बात है कि आज ही की तारीख 27 जून 1693 ईस्वी को इसका पहली बार प्रकाशन हुआ था। याद रखेंगे, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि दुनिया की पहली महिला पत्रिका कौन है, तो दुनिया की पहली महिला पत्रिका का नाम लेडीज मर्करी है। 27 जून 1693 ईस्वी को इसका प्रकाशन हुआ था। और इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन की राजधानी लंदन में हुआ था। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है महाराजा रणजीत सिंह। याद रखेंगे, महाराजा रणजीत सिंह आज ही की तारीख 27 जून 1839 ईस्वी को महाराजा रणजीत सिंह का निधन हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह को शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। खास बात यह है कि महाराजा रणजीत सिंह को सिख साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महाराजा रणजीत सिंह को। और महाराजा रणजीत सिंह ने ही दुनिया के मशहूर गोल्डन टेम्पल में सोने का पत्र और संगमरमर लगवाया था। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है आर डी बर्मन। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 27 जून 1939 को आर डी बर्मन का जन्म हुआ था। आर डी बर्मन का पूरा नाम राहुल देव बर्मन है। याद रखेंगे, राहुल देव बर्मन है, परंतु बॉलीवुड में आर डी बर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है। खास बात है कि पंचम दा ने अपने फिल्मी करियर में 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अपने मधुर संगीत दिए। याद रखेंगे, 300 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है पीटी उषा का नाम आते ही आपके दिमाग में फराटा दौड़ आने लगता है। याद रखेंगे, पीटी उषा आज ही की तारीख 27 जून 1964 ईस्वी को पीटी उषा का जन्म हुआ। इस महिला ने पूरे भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। पीटी उषा ने अपने करियर में 101 पदक राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मिलाकर के जीता। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है एनफील्ड। लंदन में वह स्थान जहां पर दुनिया का पहला एटीएम दोस्तों कहां लगा? तो एनफील्ड में लगा। याद रखेंगे, आज ही की तारीख 27 जून 1967 को दुनिया का पहला एटीएम एनफील्ड में लगा। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रांस। फ्रांस यूरोप का एक प्रमुख राष्ट्र है। खास बात है कि आज ही की तारीख 27 जून 1977 को फ्रांस ने जिबूती को स्वतंत्र किया। किस देश को स्वतंत्र किया भाई? तो जिबूती को। याद रखेंगे, जिबूती को किससे स्वतंत्रता मिली? तो फ्रांस से मिली। और जिबूती एक अफ्रीकी राष्ट्र है जिसकी राजधानी जिबूती सिटी है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है कंबोडिया। कंबोडिया एशिया का एक प्रमुख राष्ट्र है। खास बात है कि आज ही की तारीख 27 जून 1981 को कंबोडिया ने अपना संविधान लागू किया। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है यूएसए। याद रखेंगे, यूएसए दुनिया का चौधरी कहा जाता है। यूएसए ने आज ही की तारीख 27 जून 2003 को अपने देश में समलैंगिकता से संबंधित कानूनों में चेंजिंग किया और समलैंगिकता को अपराध का दर्जा से हटा दिया। याद रखेंगे दोस्तों, आज ही के तारीख 1980 में ब्रिटेन के क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी केविन पीटरसन का जन्म हुआ था। याद रखेंगे केविन पीटरसन किस देश के
खिलाड़ी है तो इंग्लैंड के खिलाड़ी। याद रखेंगे आज ही की तारीख सैम मानिक सर, याद रखेंगे सैम मानिक सर, सैम मानिक सर का निधन हुआ था 2008 में। खास बात यह है कि सैम मानिक सर यह वह व्यक्ति है जिन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान को हराने में सक्षम हुआ और यह सेना के प्रमुख भी रहे। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले आपसे एक बात करना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें आप तक पहुंच सके। चलते दोस्तों अब अपने करेंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला करेंट अफेयर्स लॉस एंजल्स। याद है कि लॉस एंजल्स यूएसए का एक प्रमुख शहर है। खास बात यह है कि भारत के बाहर दुनिया में लॉस एंजल्स शहर दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जहां पर योग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। क्या स्थापित किया जाएगा भाइयों? योग विश्वविद्यालय। याद रखेंगे अभी 21 जून को हमने पूरी दुनिया ने योग अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की है कि लॉस एंजल्स में एक भव्य योग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा और इस योग विश्वविद्यालय का जो नाम है वो स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा जाएगा। तो इस प्रश्न को आप लोग फूल पत्ती जरूर लगा लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स शहर में स्थापित किया जाएगा जिसका नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रखा जाएगा। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है विनी महाजन। यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा क्योंकि पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। याद रखेंगे जहां पर भी किसी प्रश्न में पहली महिला पहले पुरुष आ जाता है वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विनी महाजन पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बने और यह 1987 बैच की 1987 बैच की आईएएस ऑफिसर है। खास बात यह है कि विनी महाजन के जो पति है दिनकर गुप्ता वर्तमान में डीजीपी है। याद रखेंगे दिनकर गुप्ता जो विनी महाजन के पति है वो पंजाब राज्य के डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है और पंजाब के सीएम का नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह है। हमारा अगला टॉपिक है महिला विश्व कप फुटबॉल। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण होगा। महिला विश्व कप फुटबॉल की जो मेजबानी है फीफा के द्वारा ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से सौंपा गया है। खास बात है कि फीफा के द्वारा इस आयोजन में एक खास बात और होगी कि पहली बार 32 टीमें भाग लेंगे। याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जब टीम फुटबॉल का महिला विश्व कप होगा उसमें कुल कितने टीमें पार्टिसिपेट करेंगी? 32 टीमें होंगी। यह ऐसा पहली बार हो रहा है। दूसरी खास बात आपको बता दें फीफा का जो पिछला विश्व कप हुआ था 2019 में वो कहां आयोजित हुआ था? फ्रांस में आयोजित हुआ था। याद रखिए साथियों 2023 में फीफा का विश्व कप किस देश में होगा? 2023 में फीफा का विश्व कप ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड दोनों देश मिलकर संयुक्त रूप से इसका आयोजन करेंगे। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग। याद रखेंगे राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग की स्थापना कहें या गठन की बात स्थापना या कहें गठन की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश सरकार के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश राज्य में एक विशेष प्रकार का प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन किया जाएगा जिसका मुख्य कार्य होगा कि जो भी प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश राज्य में आए हैं और वहां के रह रहे हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था किस प्रकार की जाए, उनका किस प्रकार का जानकारी है, टेक्निकल है नॉन टेक्निकल, उनको उनके अनुसार रोजगार मुहैया कराना इस आयोग की प्राथमिकता होगी। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है आदर्श पुलिस स्टेशन। याद रखेंगे आदर्श पुलिस स्टेशन की स्थापना की जो घोषणा की है वो छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य में आदर्श पुलिस स्टेशन की स्थापना की बात कही है, क्योंकि एक समस्या रही है कि पुलिस का जो व्यवहार है जनता के प्रति, उसको लेकर के हमेशा आरोप प्रत्यारोप होते रहे। तो छत्तीसगढ़ के सरकार ने अपने यहाँ राज्य में बेहतर पुलिसिंग के लिए आदर्श पुलिस स्टेशन की स्थापना के बाद के राज्य भर के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उनकी एक रैंकिंग की जाएगी कि उन्होंने किसी भी मामले की सुनवाई किस प्रकार से की, किसी भी प्रकार की कोई अभद्रता न होते हुए अपने कार्य को सही ढंग से करें, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखेंगे आदर्श पुलिस स्टेशन की स्थापना किस राज्य में की जाने वाली है, छत्तीसगढ़ राज्य में, और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम भूपेश बघेल है जबकि वहां की गवर्नर अनुसुईया उइके है। एक बात और बता दें, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की भी घोषणा की है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है महापरवाना योजना। याद रखिए महापरवाना योजना महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया है। किस सरकार ने घोषित किया है? महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया है। खास बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, निवेश को बढ़ावा देने के लिए महापरवाना योजना की घोषणा किया और कहा है कि जो लोग भी राज्य में 50 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करेंगे उन्हें राज्य सरकार के द्वारा तरह तरह की छूट दी जाएगी, जिससे वो राज्य में आसानी से अपना कंपनी स्थापित कर सके और जिससे राज्य के लोगों को नौकरी भी मिलेगी और राज्य का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो याद रखेंगे महापरवाना योजना का संबंध किस राज्य से? महाराष्ट्र सरकार से। और मुख्य उद्देश्य क्या? निवेश को बढ़ावा देना, निवेश को प्रोत्साहित करना। महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम उद्धव ठाकरे है और यहाँ के जो गवर्नर है वो भगत सिंह कोश्यारी है। और महाराष्ट्र इस समय सबसे खास क्या है कि भारत में सबसे ज्यादा कोविड-19 का मामला किसी राज्य में पाया गया है तो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सबसे ज्यादा कोविड के मामले हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है FATF। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या होता है भाइयों? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। खास बात है कि यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। यह कैसी संस्था है भाइयों? अंतरराष्ट्रीय संस्था है। याद रखें कि इस FATF के द्वारा अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। पाकिस्तान को किस लिस्ट में रखा गया है? ग्रे लिस्ट में रखा गया है, क्योंकि FATF ने पहले ही पाकिस्तान को कहा था कि वो अपने देश में जो भी आतंकवादी संगठन है उन्हें बंद करे और उन्हें जो धन मुहैया करते हैं उस पर विशेष रोक लगाए, परंतु पाकिस्तान अभी तक ऐसा कर नहीं पाया, इसलिए FATF के द्वारा पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में ही रखा गया और उसको कहा भी गया है अगर पाकिस्तान अपने कृत्य को नहीं सुधारता है तो उसे ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। तो याद रखेंगे तो FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका स्थापना 1989 में। इसका जो मूल मकसद है कि दुनिया में कौन सी संस्था है जो आतंकवाद को प्रोत्साहित करती है, आतंकवाद को कौन धन मुहैया करा रहा है, उसी की निगरानी करना ही FATF का मूल कार्य है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है निमाई भट्टाचार्य। ध्यान है साथियों, निमाई भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया है। इनका ये पत्रकारिता से भी जुड़े रहे और इन्होंने अपने जीवन काल में 150 से ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं। अगला करेंट अफेयर्स है हेवी पिरामिड और रेमडेसिविर। इन दोनों को आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेंगे, क्योंकि कोविड-19 को लेकर के हम लोग पिछले 6 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया परेशान है, परंतु भारत सरकार के जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा फेविपिराविर और रेमडेसिविर इन दोनों दवाओं के मैन्युफैक्चरिंग की इजाजत दे दी गई है जो, और भारत में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, याद रखेंगे। और एक कंपनी है जिसका नाम है ग्लेनमार्क, ये इसी कंपनी को इन दोनों दवाओं को बनाने का जो है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता दिया गया। याद रखें फेविपिराविर और रेमडेसिविर ये क्या है? कोविड
19 की दवा है यार, एक कोविड 19 की दवा है, इसमें फेविपिरावीर एक कैप्सूल की तरह है, जबकि रेमडेसिविर जो है वो एक इंजेक्शन है, जो दुनिया भर में जो इसके इस्तेमाल हुए हैं उसके जो इस्तेमाल में सफलता मिली है दुनिया को, इसलिए भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के द्वारा इन दोनों दवाओं के मैन्युफैक्चरिंग और उसके प्रोडक्शन को इजाजत दे दी गई है, और भारत में इसका निर्माण सबसे पहले ग्लेनमार्क कंपनी बनाएगी, इसे आप लोग जरूर नोट करेंगे। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है गोधन न्याय योजना। याद रखें गोधन न्याय योजना का संबंध छत्तीसगढ़ सरकार से है। किस सरकार से है? छत्तीसगढ़ सरकार से है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ सरकार के सीएम भूपेश बघेल ने यह घोषणा की है कि राज्य में ऐसे पशुपालक जो गायों को पालते हैं उन्हें राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाएगी और उन्हें तरह तरह की सुविधाएं भी दी जाएंगी। तो याद रखें गोधन न्याय योजना का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ सरकार से है। और इसमें क्या है कि गौ पालन पर सरकार के द्वारा क्या है? वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प क्या है सरकार के द्वारा दी जाएगी और हर तरह की हेल्प होगी। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है युवा पे। याद रखें युवा पे एक डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप है। याद रखें क्या है भाई? डिजिटल मोबाइल ऐप है, वॉलेट ऐप है। याद रखें डिजिटल मोबाइल ऐप है युवा पे। इसे याद रखेंगे भारत के एक निजी बैंक यस बैंक के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया है? यस बैंक के द्वारा जारी किया गया, जिसका मूल उद्देश्य यह है कि इस ऐप के माध्यम से आप अपने बिजली के बिल, ट्रेनों में रिजर्वेशन या किसी भी तरह की जो छोटी मोटी सुविधाएं होती है वो सभी इसमें दी गई है, जिससे व्यक्ति को जीवन आसान होगा। तो किस बैंक के द्वारा भाई युवा पे जारी किया गया है? तो यस बैंक के द्वारा। और यस बैंक किस प्रकार का बैंक है? यह देश का एक निजी बैंक है जिसकी स्थापना 2004 में हुई, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ एमडी जो है प्रशांत कुमार है, याद रखेंगे। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है नवी लैंडिंग। याद रखें नवी लैंडिंग यह भी एक मोबाइल ऐप ही है। याद रखेंगे यह भी एक मोबाइल ऐप है जिसे पर्सनल लोन के लिए स्टार्ट किया गया है और इसे जो स्टार्ट किया है वो सचिन बंसल के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? सचिन बंसल और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बिन्नी बंसल। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल इन दोनों भाइयों के द्वारा अपने देश में किसकी शुरुआत की गई थी? फ्लिपकार्ट की शुरुआत किसने की थी? तो इन दोनों भाइयों ने की थी। तो नवी लैंडिंग क्या है? एक पर्सनल लोन की सुविधा देने वाला एक ऐप है जिसे क्या है वो आपके सचिन बंसल ने स्टार्ट किया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। यह क्या है? एक महिला वैज्ञानिक है। क्या है भाई? वो महिला वैज्ञानिक है। इनका संबंध किससे है? तो नासा से है। याद रखेंगे नासा के हेडक्वार्टर का नाम किसका नाम? नासा के हेडक्वार्टर का नाम अब मैरी डब्ल्यू जैक्सन होगा। याद रखेंगे नासा के हेडक्वार्टर का नाम किसके नाम पर रखा गया? मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा गया। ये दुनिया की मशहूर वैज्ञानिकों में गिनी जाती है और नासा ने इनके नाम पर अपने मुख्यालय का नाम समर्पित किया है। याद रखिए नासा जिस तरह से भारत में इसरो है उसी तरह दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक अंतरिक्ष संस्थाओं में नासा का नाम गिना जाता है और नासा के हेडक्वार्टर का नाम रख दिया गया मैरी डब्ल्यू जैक्सन। और मैरी डब्ल्यू जैक्सन क्या? महिला वैज्ञानिक। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है आईसीआईसीआई बैंक। याद रखेंगे आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत की है। याद रखेंगे आईसीआईसीआई बैंक भारत के एक मशहूर निजी बैंक है और यह तकनीक का इस्तेमाल करने के मामले में यह अग्रणी बैंक माना जाता है। तो अब इसने वीडियो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। इसमें कस्टमर को क्या घर बैठे ही उनका केवाईसी हो जाएगा। बैंकों में बार बार केवाईसी की आवश्यकता पड़ती रहती है, इसलिए ग्राहक को बार बार बैंक जाना पड़ता है। तो इस सुविधा से ग्राहकों को बार बार बैंक के चक्कर नहीं काटने होंगे। तो याद रखेंगे वीडियो केवाईसी सुविधा किस बैंक ने शुरू किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक एक दिवस से संबंधित है एमएसएमई डे। याद रखेंगे
ये 27 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 जून को मनाया जाता है। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। याद रखेंगे जो दुनिया भर में सूक्ष्म और लघु उद्योग है, ये पूरे विश्व में लगभग 70% लोगों को रोजगार देने में सहायक होते हैं। इसलिए एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 27 जून को एमएसएमई डे के रूप में मनाया जाता है।